नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। साहिबगंज से कृष्णकांत की रिपोर्ट। उधवा प्रखंड अंतर्गत बेगमगंज सिंहटोला चबूतरा परिसर में हिंदू धर्म रक्षा मंच की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री मदन बस्साक ने की। हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष श्री संत कुमार घोष ने कहा कि वर्तमान समय में मॉब लिंचिंग पूरे देश भर में हो रही है और किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म रक्षा मंच मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करता है। अपने प्राचीन लक्ष्य अहिंसा विश्व धुंध सर्वधर्म संभाव हमारे राष्ट्र की मूल पूंजी रही है। अनादिकाल से आज भी हम इस पथ पर चलते हैं। मॉब लिंचिंग हमारे समाज का कभी हिस्सा रहा ही नहीं। भीड़ की हिंसा हिंदू समाज का हमारे देश का अवधारण कभी नहीं रहा है। हमारे समाज में इसका कोई स्थान नहीं। विश्व बिरादरी को आज ना कल इस कठोर सच को स्वीकारना होगा, बल्कि सभी को सनातन धर्म संस्कृति की ओर लौटना होगा। हर कोई अपने धर्म विस्तार व वर्चस्व स्थापित करने के लिए खूनी संघर्षों व हिंसा के रास्ते पर चल रहा है। हम सनातन हिंदू धर्मावलंबी कभी धर्म विस्तार की लालसा नहीं पाले हैं, ना ही रक्तपात किया। हिंदू धर्म रक्षा मंच हिंदू समाज का प्रहरी है। वह स्वयं जागता है और संपूर्ण समाज को भी जागृत करने का प्रयास करता है। उन्होंने दावा किया कि भारत के वर्तमान नेतृत्व व राज्य के नेतृत्व के हाथों जनमानस पूरी तरह सुरक्षित है। बैठक में परमानंद कुमार मंडल, मीठू घोष, राजीव मंडल, संदीप घोष, सुकृति हाजारी, जितेश घोष, उज्जवल घोष, उदय मंडल, जितेन मंडल, मदन बसाक, दशरथ बसाक, सुशान बसाक, मनोज सिंह, दीपू सिंह, गौतम सिंह, गोविंद बसाक आदि दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हिंदू धर्म रक्षा मंच मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करती है। मॉब लिंचिंग हमारे समाज का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है और भीड़ का हिंसा का कभी नहीं रहा है और हमारे समाज हिंदू समाज जो है इसका का कोई स्थान नहीं है। विश्व बिरादरी को आज न कल इस कठोर सच को स्वीकार करना होगा, बल्कि सभी को सनातन धर्म और संस्कृति की ओर लौटना होगा। हिंदू धर्म रक्षा मंच समाज का एक पहरी के रूप में कार्य कर रही है और स्वयं को जागता है और समाज को भी जागृत करने का प्रयास कर रही है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदू समाज को जागृत करने का हमारे हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और गांव-गांव में बैठक करके जागृत कर रहे हैं। धन्यवाद।